यूजीनेट जून 2014 क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन और लिस्ट टू। तो लिस्ट वन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस और बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, और इसको आपको मैच करना है इनके फंक्शन के साथ। तो देखिए जो आपको आता है एक बार उनको मैच कर लीजिए, तो आपको पता होगा कि TCL क्या हो गया, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो TCL के अंदर क्या होता है, कमिट, अबोर्ट, रोल बैक, सेव पॉइंट। ओके सॉरी, अबोर्ट नहीं होता है, कमिट मिल जाएगा आपको, सेव पॉइंट मिल जाएगा। तो TCL का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। और लॉग टेबल, कमिट, नेचुरल डिफरेंस, रिवोक, अगर आपको कोई डिफरेंस करना है तो ऑब्वियसली बात है वो बाइनरी ऑप्शन के अंदर ही काउंट होगा, ठीक है ना। जैसे किसी को हमें माइनस करना है, ए माइनस बी, तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। एक इधर है एक इधर, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। और अगर हम सिर्फ इसका यूज करते हैं, ओके, जैसे कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होगा, यूनरी ऑपरेशन हो गया। चलिए अब दो बचे हुए हमारे पास, DDL और DML। तो डाटा डेफिनेशन, ये ऑप्शन मैच करिए क्या, सी का सेकेंड और डी का क्या है, थर्ड। तो सी का सेकेंड देखिए किसके अंदर, ये रहा, और डी का थर्ड भी इसके अंदर है, तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है सीधा सीधा डी। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का फोर, रिवोक। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, रिवोक। और बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। डाटा मैनिफेस्टर लैंग्वेज के अंदर क्या हो जाएगा, लॉग टेबल। तो हमारा आंसर जो निकल के आ गया क्या हो गया, डी आंसर निकल के आ गया। थैंक यू।